हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिक्स 11। सो अभी का जो प्रेडिक्शन है वो है बीआर वर्सेस एसकेएन ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शन। सेकेंड मैच है ये सीपीएल टी20 का, कैरेबियन प्रीमियर लीग। फर्स्ट मैच अभी चल रहा है, सेकेंड मैच खेला जाएगा रात के 4:30 बजे। तो इस वाले मैच में आपको मैं पिच रिपोर्ट बता दूंगा, पिच रिपोर्ट के बाद आपको वेदर रिपोर्ट भी बता दूंगा। पिच रिपोर्ट और वेदर रिपोर्ट दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि इसके पिच रिपोर्ट और वेदर रिपोर्ट जो हो उसके अकॉर्डिंग आपका टीम का जो स्ट्रेटजी है वो चेंज हो सकता है। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि जो टीम है वो उसका प्लेइंग 11 क्या है दोनों टीम में से। जैसे बारबाडोस रॉयल्स का प्लेइंग 11 क्या होगा, कौन कौन से प्लेयर्स खेल सकते हैं, प्लेइंग 11 में जो जो प्लेयर हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है वो आपको बता दूंगा। प्लेयर्स का स्टेट्स आपके पास होगा। देन एसकेएन का प्लेइंग 11 आपके पास होगा, उसका प्लेयर का स्टेट्स वो आपके पास होगा, कौन कौन से टीम खेल सकते हैं प्लेइंग 11 में वो आपके पास होगा। प्लेइंग 11 के बाद मैं आपको ड्रीम इलेवन का टीम एक दे दूंगा, और ड्रीम इलेवन के टीम के बाद प्लेयर्स पॉट का भी एक टीम आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन का जो चॉइस है वो आपको मैं बता दूंगा, किसको आप कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हैं। फिर मैच जो है वो किसके फेवर में जा सकता है और टॉस किसके फेवर में जा सकता है। उसके बाद हेड टू हेड का भी हम बात कर लेंगे कि क्या परफॉर्मेंस रहा है पिछले मैचेस में दोनों का। तो ये पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, आप पूरा वीडियो उस अच्छे से देखेंगे तो आप भी जीतेंगे। साथ में आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें हमारा, क्योंकि प्लेइंग 11 आने के बाद वहाँ पर आपको टीम मिल जाता है, और काफ़ी सारे क्रिक्सलैंड के रीडर्स जीत रहे हैं तो आप भी जाके जीत सकते हैं। आप स्मॉल लीग खेलेंगे तो ज़्यादा चांसेस होगा जीतने का, तो आप स्मॉल लीग को ज़्यादा प्रेफर करें, और ग्रैंड लीग भी खेल सकते हैं बट ग्रैंड लीग में रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो चलिए देख लेते हैं कि मैच जो है किसके बीच में है। मैच जो है वो बारबाडोज रॉयल्स वर्सेस सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स के बीच में है। ये सेकेंड मैच है आपका हीरो सीपीएल कैरेबियन प्रीमियर लीग का। ये डेट वाइज देखें तो ये कल खेला जाएगा 4:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में रात के। पिच जो है वो वार्नर पार्क ही यूज़ होगा जो कि आज खेला जा रहा है। तो अगर पिच रिपोर्ट अगर आप देख लेते हैं कि पिच रिपोर्ट क्या कहता है, अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो ये बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, और पिछले कुछ मैचेस का अगर डेटा देखें तो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर जो है वो 181 रन्स है। देन बैटिंग जो पहले बैटिंग करती है वो 35% मैचेस उनके फेवर में गया है, और 60% मैचेस जो सेकेंड में बैटिंग करती है उनके फेवर में गया है। लेग ब्रेक बॉलर्स और चाइनामैन बॉलर्स जो है ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे। अगर अभी जो मैच खेला जा रहा है इस वाले पिच में उसका अगर देखें तो बैटिंग इतना हाई स्कोर नहीं बना है और बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे। हालांकि ये जो पिच है वो बैटिंग फ्रेंडली है, ये चीज़ आप अपने ध्यान में रखें। वेदर रिपोर्ट की बात करें तो पार्टली क्लाउडी होगा और थ्रू आउट द डे रहेगा। 5% चांस जो है वो रेन का चांस है। 27 डिग्री सेल्सियस ह्यूमिडिटी होगा, सॉरी टेम्परेचर होगा, और ह्यूमिडिटी जो है वो 79% होगा। तो ये हो गया आपका पिच रिपोर्ट और वेदर रिपोर्ट। अब बारबाडोस रॉयल्स का प्लेइंग 11 देख लेते हैं। प्लेइंग 11 की बात करें तो जेक लिंटन या फिर मोहम्मद आमिर दोनों में से कोई एक प्लेयर खेलेंगे। जेक लिंटन का डेटा देख लेते हैं, पिछले जो परफॉर्म किया था इन्होंने 15 रन बनाए थे, कोई विकेट नहीं लिया था। हालांकि जेक लिंटन का T20 ब्लास्ट और T100 में परफॉर्मेंस अच्छा रहा। मोहम्मद आमिर जो है इन्होंने 59 रन, इनका सीपीएल का डेटा है, ये 59 रन बनाया और 59 विकेट्स लिए हैं। रेमोन की बात करें तो इन्होंने 23 रन बनाया और 8 विकेट लिया है, और हो सके तो दोनों में से एक कोई खेलेगा। एशले नर्स इनका अगर स्कोर देखें तो 107 रन और 2 विकेट। आजम खान ने 6 रन बनाया है, ये सीपीएल का डेटा है पिछले सीरीज का। ग्लेन फिलिप्स ने 316 रन बनाए थे, साई होप ने 118 रन बनाए थे, हेडन वॉल्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे इन्होंने 16 रन बनाए थे और 7 विकेट लिया था। ये आप देख लीजिए कि स्पिनर्स को बेनिफिट मिल रहा है इस वाले विकेट में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं। काइल मेयर्स इन्होंने 222 रन बनाए थे और 2 विकेट लिया था। तिसेरा परेरा का ओवरऑल डेटा है 1200 रन बनाए, 1204 रन बनाया और 51 विकेट्स लिया है इन्होंने। जेसन होल्डर जो कि लीड करेंगे इस साइड को, इन्होंने 192 रन बनाए हैं। जेसन
चार्ल्स जो एज अ विकेट कीपर खेलेंगे, इनका जो स्कोर रहा है 214 रन रहा है अभी तक सीपीएल में पिछले सीरीज में। देन ओसेन थॉमस की बात करें तो उन्होंने सिर्फ एक विकेट लिया था, ज़्यादा मैचेस खेले नहीं थे। ठीक है, ये हो गया आपको आपका बारबाडोस रॉयल्स का प्लेइंग 11। अब देख लेते हैं सेंट किट्स का प्लेइंग 11। क्रिस गेल जो है वो खेलेंगे, इनका स्कोर ओवरऑल देखें तो 1854 रन बनाए थे और 19 विकेट लिया था इन्होंने। देन सरफन रदरफोर्ड ने 39 रन बनाए थे। जोसुआ डा सिल्वा जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इन्होंने पिछले सीरीज में, इनका जो स्कोर रहा था 136 रन रहा था। फेव एलियन का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहा था, 250 रन बनाए थे इन्होंने और 20 विकेट लिया था। आसिफ अली या रवि वपारा दोनों में से कोई एक खेलेंगे। आसिफ अली का अगर देखें तो 118 रन बनाया था और ये रवि वपारा का ओवरऑल स्कोर है 711 और विकेट 16। ठीक है, फवाद अहमद ने 13 विकेट लिए था। रियाद एमेरिट जो कि लीड करेंगे साइड को, इन्होंने 76 रन बनाए थे और 11 विकेट लिया था। सेल्ड्रॉन कॉटरल ने 27 रन बनाए थे और 5 विकेट लिया था। ड्वेन ब्रावो इन्होंने 17 रन बनाए थे और 9 विकेट लिया था। लुविस ने 235 रन बनाए थे, इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा था और इस बार भी इनका परफॉर्मेंस अच्छा होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। पॉल ने 44 रन बनाए थे और 47 विकेट्स लिया था। ये हो गया आपके पास दोनों टीम का डेटा, आप इसको देख के अपना खुद का टीम बना सकते हैं, नहीं तो आगे सेक्शन में आपको ड्रीम इलेवन का टीम मिल जाएगा, उसको भी आप देख सकते हैं और उससे आइडिया लेके अपना टीम बना ले या फिर सेम टीम से खेल सकते हैं। हालांकि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो आपको प्लेइंग 11 आने के बाद और भी अच्छी टीम मिल जाएगा, तो आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप क्रिक्स 11 गूगल में सर्च करें और किसी भी पोस्ट में जाएं तो वहां से आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा। तो अब देख लेते हैं कि ड्रीम इलेवन टीम क्या होगा, बीआर वर्सेस एसकेएन का ड्रीम इलेवन टीम क्या होगा। ड्रीम इलेवन टीम की बात करें तो विकेट कीपर जो है वो हमारे पहले टीम में साई होप होंगे, बैट्समैन जो है वो क्रिस गेल, चार्ल्स लेविस और फिलिप्स, ये एज अ बैट्समैन खेलेंगे। ऑलराउंडर जो है ब्रावो, होल्डर और फैब एलन, ये हमारे टीम में एज अ ऑलराउंडर खेलेंगे। बॉलर्स की बात करें तो एमेरिट वॉल्स और लिंटन, ये एज अ बॉलर होंगे। ठीक है, अब आपके पास बीबीआर वर्सेस एसके एंड एनपी का प्लेयर स्पॉट का टीम है, आप प्लेयर स्पॉट भी खेल सकते हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म है, लो कंपटीशन है और इसमें गिव अवे बहुत ज़्यादा मिलता रहता है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा 10,000, जैसे अभी का जो सीपीएल का मैच चल रहा है उसमें 50,000 का गिव अवे था, तो ऐसा ही गिव अवे आपको मिलता रहेगा। तो आप जाके प्लेयर स्पॉट भी ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विकेट कीपर जो है वो सिल्वा होंगे, देन बैट्समैन के मायर्स, चार्ल्स फिलिप्स और लेविस, देन ऑलराउंडर्स ब्रावो परेरा होल्डर। बॉलर्स की बात करें तो आमिर, फवाद अहमद और एस कॉटरल, ये अभी का टीम है, प्लेइंग लाइन आने के बाद टीम थोड़ा एडजस्ट होता है, तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। अब देख लेते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन किसको आप रख सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो जॉनसन चार्ल्स जो है इसको आप रख सकते हैं, ग्लेन फिलिप्स, हेडन वॉल्स, एविन लुविस, रियाद एमेरिट, क्रिस गेल, इनमें से आप किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक टीम से खेल रहे हैं तो आप जो चार्ल्स को और लुविस को दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन आप रख सकते हैं। अब देख लेते हैं मैच किसके फेवर में जाएगा। मैच की बात करें तो बीआर के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है ये मैच, और एसकेएन के फेवर में जाएगा टॉस। ये हो गया आपका पूरा डिटेल। अब देख लेते हैं हेड टू हेड में कैसा परफॉर्मेंस रहा है दोनों टीम का। हेड टू हेड की बात करें तो पिछले 5 मैच का अगर देखें तो ये आपका एसकेएन के फेवर में 3 मैच गया है और बीआर के फेवर में 2 मैच गया है। एसकेएन पिछला मैच जीती थी आपका बीआर के अगेंस्ट, 6 विकेट और 3 बॉल रिमेनिंग था और 6 विकेट उनके हाथ में था और ये मैच जीत गई थी। तो ये हो गया आपके पास पूरा डिटेल। आई होप कि ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा, आपको वैल्यू मिला होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको अपडेटेड मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, हैव अ गुड डे।